नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एज्युगेडवी यूट्यूब चैनल में हूँ वसावा रिंकेश तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आज आप बात करीशुं धोरण 9 गणित में जे हवे आवनार टूंक समय में जे प्रथम कसोटी जे लेवाशे ए प्रथम कसोटी में जे विभाग बी जे छे ए विभाग बी में थोड़ा इम्पोर्टंट दाखला जे छे ए आपणे कवर करीशुं। ओके, तो सौप्रथम आपणे बात करीशुं जे आपणो प्रथम जे चेप्टर जे छे संख्या पद्धति एना विषे थोड़ा एना दाखला जे छे ए आपणे जोईशुं के जे मोस्ट आईएमपी छे जे पूछाई सके एवा छे। ओके, चलो आपणे टाइम वेस्ट कर्या वगर ए दाखला पर वधीए। तो जो आपणो फर्स्ट दाखलो जे छे एमां आपणे वात करवानी छे के 3/5 अने 4/5 वच्चेनी बे सम्य संख्या आपणे मेळववानी छे। ओके, तो जो अहीं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वस्तु ध्यान आपवानी, जो आपणे कीधुं होय कि जो सम्मय संख्या मेळवो आ रीते जो आप्युं हशे तो आपणे आ बे संख्याने आपणे नीचे लेवानी। जो आ रीते आपणे आने लई सकीए 3/5 अने बीजी कई छे संख्या आपणा पर तो कि 4/5। आ बे वच्चे आपणे बे सम्मय संख्या मेळववानी छे। ओके, तो आ बे संख्या जे छे एने कोई पण संख्या जे हशे, कोईपण इक्वल संख्या हशे एने ऊपर नीचे बंने संख्याने आपणे गुणीशुं एटले आपणने जे संख्या मळशे ए संख्या परथी आपणने आ बे संख्या वच्चेनी जे सम्मय संख्या हशे ए आपणने मळशे। तो जो सर्वप्रथम आपणे आ संख्याने आपणे 2 वडे गुणीए। ओके, तो जो अहींया 2 वडे गुणता आपणने शुं मळशे तो के 2 वडे गुणीए आपणे तो 3 * 6 थशे अने 10 थशे। तेज रीते अहींया शुं थशे आपणो 4×2 8 थशे अने छेदमां आवशे आपणा 5×2 10। पण जो अहींया ध्यानथी जो 5 अने 8 वच्चे मात्र ने मात्र एक ज संख्या आवे छे। ओके, तो आपणे एक संख्या वधारीए तो आ जे संख्या जे छे अहीं आपणे 3 वडे जो गुणीए, 3 वडे उपर नीचे आपणे गुणीए तो जो अहींया शुं थशे आपणा पर तो 3 तारीख अपना के 9 और 5 तारीख के 15 बधाने ख्याल है। पीछे तेज रीते अँ शू थे 4 तारीख 12 थे और तेज रीते नीचे अपना 15 थे। ओके, आई गए। हवे जो हवे अँ ध्यान जो 9/15 और 12/15 वच्चे कई कई संख्या आए जो तो शुरुआत में आप लखी दीए 9/15 लखीशूँ त्यारबाद शू लखीशूँ तो कि 10/15 आवशे बधाने ख्याल है आ वस्तु। पीछे 11 भाग्या कितनी आवशे 15 आवशे। पीछे कई रीते आवशे 12 भाग्या अपना 15 आवशे। ओके, तो आ 9/15 अने 12/15 नी वच्चेनी बे सम्मय संख्या आपणे मेळववानी छे। ओके, तो आपणे कई मळी तो कि 10/15 अने 11/15 आपणे मळी। तो आ जे संख्या हशे 10/15 अने 11/15 ए 3/5 अने 4/5 वच्चेनी मागेल सम्मय संख्याओ छे। ओके, ख्याल आवी गयो बधाने कई रीते मेळवशुं। तो जो सौ प्रथम आपणे कोई एक संख्या जे हशे दाखला तरीके आपणे 3 पण लई सकीए, 2 पण लई सकीए, अहीं आपणे 4 पण लई सकीए। तो जो जे रीते तमे जे संख्या लईने गणतरी करशो ते रीते तमारो जवाब जे हशे ए अलग अलग हशे। पण ए जे संख्या हशे ए कईनी कईनी वच्चे हशे तो के 3/5 नी वच्चे हशे। पण जो तमे केल्क्युलेशन करो तो जो दाखला तरीके अहीं तमे 4 लेवा मांगता हो तो तमे लई शको पण अहीं पण 4 वडे अने नीचे पण 4 वडे गुणवू पड़े। तेज रीते अहीं पण 4 वडे ऊपर नीचे आपणे गुणवू पड़े। ओके, ख्याल आव्यो दाखलामां सिंपल दाखलो छे। आ दाखला આપણે શું ખ્યાल રાખવાનો છે અહીંયા તો જે સંખ્યા વડે આપણે ગુણીએ તે સંખ્યા વડે ઉપર અને નીચે બંને તરફ ગુણવાનું, તે જ સંખ્યા વડે આપણે બીજી કિંમત હશે એને પણ ગુણવાનું એટલે આપણને શું મળશે કે જે આપણે માંગી છે સમય સંખ્યા એ આપણને મળશે। ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો બધાને? ઓકે, તો જે રીતે આપણે સમય સંખ્યા મેળવીએ છીએ તે જ રીતે આપણે અસમય સંખ્યા મેળવવાનો પણ દાખલો આવશે જે આગળ આપણે જોઈશું। ઓકે, ચલો આગળ જઈએ। તો જો हवे आपणो सेकंड नंबरनो जे दाखलो जे छे ए सेकंड नंबरना दाखलामां कंई आ रीते आपणने किंमत आपी छे। जो वांचो ध्यानथी, साबित करो के 0.3 उपर शुं छे आपणुं तो के 12 छे ने p पूर्णांक होय एटले शुं हशे p पूर्णांक होय अने q ए शून्यतर पूर्णांक शून्यतर पूर्णांक होय तो तेवा आपणे शुं करवानुं छे पी क्यू माटे पी भाग्या क्यू स्वरूप आपणे मेळववानुं छे। तो जो अहींया एक वर्ड आवे छे, शुं वर्ड आवे छे तो के शून्यतर आवे छे। तो शून्यतरनो अर्थ शुं थशे? शून्यतर एटले एमां कोई पण वेल्यू आवी शके, माइनसनी इन्फिनिटी सुधी वेल्यू अने ते ज रीते प्लसनी इन्फिनिटी सुधी वेल्यू आपणे लई शकीए, पण शून्यतर एटले शून्य सिवायनी जे प्लसर माइनस किंमत हशे एमांथी आपणे कोई पण लई शकीए छे। एटले छेद जे हशे आपणो तो छेदमां आपणे शून्य सिवायनी कोई पण वस्तु कई पण वेल्यू आवी जोईए, पण शून्य आवो जोईए नहीं, कारण के बधाने ख्याल छे कि जो कोई पण संख्याने छेदमां जो शून्य आवे तो ए वेल्यू जे हशे एनी किंमत इन्फिनिटी थई जशे। ओके, ये आपणे आगळ भणीशुं। तो जो हवे आपणे वात करीशुं जो आ रीते तमने दाखलो आप्यो हशे ए दाखलाने तमे शेमां कन्वर्ट करवानुं छे? पी बाय क्यू स्वरूपमां आपणे मेळववानुं छे। तो जो ए माटे सौप्रथम आपणे धारी लेवानुं अहीं जो आपणे सुधारवानुं छे अहीं आपणे तो के जो धारो के आपणे एक्स लेवानुं। जो आ रीते जो दाखलो हशे आपणा पर 0.3 बार होय तो आने एनो मतलब ए हशे कि 0 पछी 3 3 3 3 एटले 3 जे हशे ए रिपीट थता हशे क्यां सुधी? इन्फिनिटी सुधी एनुं पुनरावर्तन थतुं हशे। ए 12 जे हशे एनो मतलब शुं थशे कि ए संख्यानो वारंवार पुनरावर्तन थाय छे क्यां सुधी? इन्फिनिटी सुधी ए पुनरावर्तन थाय छे, एनो मतलब आ रीते थशे। तो जो हवे अहींया ध्यानथी जो आ संख्याने आपणे कई रीते लखी शकीए 0.3 बार जे हने तो 0.3 3 3 3 आ रीते आपणे एने इक्वेशन नंबर 1 आपी दईए। ओके, तो जो हवे अहीं ध्यानथी जो जो आपणने आ रीते कोई एक संख्या पर 12 आप्यो होय तो आपणे केटला वडे गुणीशुं? तो के 10 वडे गुणवानुं, बंने साइडे इक्वेशन जे हशे बंने इक्वेशनने आपणे बंने साइडे 10 वडे गुणीशुं। ते ज रीते जो बे संख्या पर हशे तो एने 100 वडे गुणीशुं अने जो 3 संख्या पर हशे तो एने आपणे 4 वडे केटला वडे गुणीशुं? तो 1000 वडे गुणीशुं। ए रीते जेवी रीते आपणी संख्याओनी संख्या वधती जशे ते रीते आपणे नीचे मूकवानी संख्या जे 0 हशे एक पाछळ जे 0 हशे ए वधता जशे। हवे बधाने ख्याल छे जो कोई पण पॉइंट वाली जे वेल्यू हशे एने आपणे जो 10 100 के 1000 वडे जो गुणीए तो जेटला वडे आपणे गुणीशुं एटला जे पॉइंट हशे ते जमणी बाजू खसशे। ओके, तो अहीं आपणे केटला वडे गुणवानुं छे? तो के समीकरण नंबर जे छे 1 एने आपणे 10 वडे गुणीए तो 10x थशे इक्वल टू आ साइडे जो आपणे 10 वडे गुणीए तो अहींया 1 पॉइंट खसशे, कारण के 10 पर केटलो बिंदु छे? 1 बिंदु छे एटले केटलो 1 पॉइंट खसशे, एटले आ रीते कंई थशे एनुं। ओके, तो आने आपणे आपी दईशुं समीकरण नंबर 2। ओके, तो हवे अहीं ख्याल राखवानो आपणे आ जे समीकरण जे छे समीकरण 2 जे छे एनामांथी आपणे समीकरण 2 मांथी समीकरण नंबर 1 जे छे एने आपणे बाद करवानुं छे। शुं करवानुं छे? बाद करता जो एकदम सिंपल दाखलो छे, ध्यानथी जो। तो जो अहींया शुं करवानुं? तो के 10x = इक्वेशन नंबर 2 है बेठू उचकीने अपने मूकी देवानुं। शुं थशे? 3.3 33 33 थशे। ओके, अहींया शुं आवशे? एक्स मुकाशे एटले एक्स मात्र एक्स है एटले अहींया मानी लेवानुं आपणे 1x है ए रीते मानवानुं। त्यार पछी पॉइंट जे हशे ए पॉइंट उपरनो पॉइंट अने नीचेनो पॉइंट सेम जग्या पर आवो जोईए। ए कई जग्याए? ए सरखी जग्या पर आवो जोईए। पॉइंट आ साइड आम तेम करशो तो जवाबमां तमारा लोचा पड़शे। ओके, तो शुं थशे अहींया 0.33 33 33 थशे। तो जो अहींया ध्यानथी जो अहींया शुं करवानुं छे आपणे? माइनस, अहींया पण माइनस करवानुं छे। आ साइड अने आ पद हशे ते केन्सल थशे एटले आंसर शुं आवशे? अहींया 3 आवशे। ते ज रीते आ साइडे शुं 10 मांथी 1 जाय तो केटलो वधशे? 9x आपणा वधशे। तो जो अहींया ध्यानथी जो केटलुं वधशे अहींया? तो के x ने आपणे सूत्र करता बनावीए तो x अने 9 आ साइडे आपणा 3 ना छेदमां आवे तो 3/9 एटले आंसर केटलो आवशे आपणा? अहींया केन्सल थशे एटले अहींया छेदमां शुं 3 × 3 थशे। कई रीते 3 × 3 कारण के खबर छे बधाने 9 क्यारे आवशे? 3 × 3 3 × 3 9 आवशे एटले 3 3 केन्सल थशे छेदमां शुं आवशे? 3 आवशे एटले 1/3 आपणने मळशे। x ની વેલ્યુ કેટલી મળે આપણને? 1/3 એટલે આ પરથી આ કયામાં પદમાં કન્વર્ટ કર્યું આપણે? p / q જે સ્વરૂપ જે છે એ સ્વરૂપમાં આપણે 0.3 જે છે એને આપણે एमां आपणे रूपांतर कर्युं। ओके, आई होप बधाने आ दाखलो ख्याल आव्यो हशे। आ प्रमाणेना दाखला जे छे ए तमारी जे पाठ्यपुस्तक छे नव स्वाध्यायमां अने उदाहरणना छे ए तमे वारंवार एने प्रेक्टिस करता रहेजो। ओके, तो ए दाखला तमने प्रेक्टिस पड़ी जशे अने जे एक्झाममां हशे ए सरळताथी तमे लखी शकशो। ओके, चलो तो आ प्रकारनो जे दाखलो जे छे ए बीजो दाखलो आपणे जोवानुं ट्राय करीए। तो जो जे रीते आपणे फर्स्ट जी दाखलो जोई गया एमां जो ध्यानथी जो अहींया शुं हतुं आपणुं, तो कि एक ज वेल्यू जे छे एना पर आपणे शुं छे 12 नी निशानी छे। अहींया शुं थशे आपणुं, तो कि बे संख्या पर 12 नी निशानी छे, तो एना माटे आपणे पी बाय क्यू स्वरूपमां आपणे मेळववानुं छे। तो जो कई रीते करीशुं, अहीं पण आपणे ए ज रीते करीशुं। जो आपणे धारी लेवानुं, धारो के सुधारवानुं छे x = 1.27 10 इन्फिनिटी सुधी जैसे खबर क्या ख्याल से बधाने कारण के 27 पर 12 है एटले 27 शू थाय छे, रिपीट थाय छे। एनो मतलब शू थशे 27 जे छे ए रिपीट थाय छे। ओके, तो जो हवे आपणे शुं करीशुं, आपणे फर्स्ट दाखलो जो हतो एमां वात करी के जेटली संख्या हशे एटली संख्या वडे आपणे शुं करवानुं छे ने, तो के एटली जो दाखला तरीके एक संख्या पर 12 जो हशे तो एने 10 वडे गुणीशुं, अने बे संख्या पर 12 हशे एने केटला वडे गुणीशुं आपणे, तो के 100 वडे गुणीशुं। तो जो अहींया आपणा पर केटला छे, बे संख्या पर आपणा 12 छे, तो एने केटला वडे गुणीशुं, 100 वडे आपणे गुणीशुं। तो समीकरण नंबर 1 जे छे एने 100 वडे गुणता आ साइडे शुं थशे, केटला मींडा खसशे? 2 मींडा, कारण के 100 पर केटला मींडा होय? 2 मींडा हशे, तो 1 अने 2 खसशे एटले 127.27 आ रीते आपणुं थशे। ओके, तो जो हवे शुं करवानुं छे, आने आपणे शुं नाम आपी दઈએ? समीकरण नंबर 2 नाम आपी दઈએ। हवे शुं करवानुं? समीकरण नंबर 2 मांथी समीकरण नंबर 1 बाद करता शुं मळे छे? जो ध्यानथी जो अहींया शुं करवानुं? समीकरण नंबर 2 जे छे ए सीधुं ने सीधुं उचकीने मूकी देवानुं। 100x 127.27 आ रीते लखी सकिए आपणे। हाँ, बिल्कुल लखी सकिए। ओके, अने एक्स बीजो अहींया मुकाशे, कारण के आपणे समीकरण नंबर 1 लेवानुं छे। अहींया एक्स लखो। हवे अहीं तमारे वारंवार कन्फ्यूज नहीं थवानुं के एक्स छे एटले अहींया केटला बाद करवाना? 100 जो होय तो अहींया 1 मानी लेवानुं। ओके, हवे जो अहींया मूकीए तो पॉइंट क्या मूकवानुं? पॉइंट जे हशे पॉइंट नी नीचे जावुं जोईए। एक आपणे अहींया मूकवानुं 27 27 અને 27। अहींया शुं थशे? आ साइडनु केन्सल थशे। अहींया शुं थशे? 127 मांथी 127 जे छे ए 127 मांथी जो 1 जाए तो केटला वधशे? 126 आपणा वधशे। अने आ साइडे केटलुं? 100 मांथी 1 जाए तो शुं वधशे आपणुं? तो के 99x आपणने मळशे। हवे जो अहींया ध्यानथी जो तो शुं मळ्यो आपणने? 99x = 126 मळ्या। तो हवे जो x ने सूत्र करता बनावीए तो शुं मळशे? 126 / 99 आपणा थशे। हवे जो अहीं ध्यानथी तमे जो तो 126 जे छे एनो 9 थी भाग जाय छे अने छेदमां जे छे त्यां पण आपणो 9 थी भाग जशे। जो आपणे 9 थी भाग जवडावीए 126 छे आपणा, एनो आपणे 9 थी भाग जवडावीए तो जो 9 × 9 लखीए तो केटला वधशे? 12 मांथी 9 जाए तो केटला थाय? 3 थशे, 6 नीचे आवशे एटले 9 × 4 = 36। बधाने ख्याल छे? 0 0 एटले केटला वडे भाग जाय छे? अहींया 9 × 14। अहींया केटला थशे? बधाने ख्याल छे? 9 × 11 एटले 9 9 केन्सल थशे। एटले शुं थशे? आ जे हशे एने आपणे कई रीते लखी शकशुं? तो के 14 भाग्या 11 एटले आपणे शुं हतुं? तो के 1.27 ऊपर जे 12 जे छे एने पी बाय क्यू स्वरूप में आपणे कई रीते लखाशे? तो के 14 भाग्या 11 आ रीते आपणे एने लखाशे। ओके, ख्याल आव्यो बधाने? आई होप आ दाखलो जे छे ए बधाने ख्याल आव्यो हशे। हवे जो तमारे होमवर्क में आज दाखलो जे छे एटले तमारे प्रेक्टिस माटे हूँ दाखलो आपू छूँ एक, जेनी तमे गणतरी करजो। आ लखी लेजो दाखलो। ओके, एक दाखलो जे छे के 0.235 जे छे एमां तमे आ रीते 12 लगाड़जो अने एने कई स्वरूप में आपणे पी बाय क्यू स्वरूप में तमे आ जे रीत में करावी ए रीत परथी तमे गणवानुं ट्राय करजो। ओके, आई होप आ दाखलामां तमने समझ पड़ी हशे। हवे आगळना दाखलामां आपणे जईए। ओके, जो हवे जे छे तमने जे रीते बात करी थी आपणे समय संख्या जे हती बे संख्या लीधी थी ए बे संख्या वच्चेनी आपणे बे समय संख्या आपणे मेळववानी हती ओके। तो तेज रीते आपणे बे संख्याओ लीधी छे ए बे संख्याओ वच्चेने आपणे बे असमय संख्या जे छे ए असमय संख्या आपणे मेळववानी छे। जो अहींया बे असमय संख्या छे अहींया तमे 5 पण मागी शके केटली 5 असमय संख्या आपो ए रीते पण कही शके ओके। तो जो एने आपणे कई रीते मेळवी शकीए ए आपणे जोईए। जो सौप्रथम आपणे ज्यारे असमयनी वात करी होय असमयनी तो सौप्रथम आपणे असमय संख्या शुं छे एना विषे माहिती मेळवीए। तो जो समय संख्या एटले जे प्राकृतिक संख्या है वास्तविक संख्या है तेज रीते अपने पूर्णांक संख्या है अपूर्णांक संख्या है मोस्ट ऑफली बधी संख्या जो हशे ए बधी संख्यानो आपणे शेमां समावेश थशे तो समय संख्या जे छे एमां समावेश थाय छे। पण असमय संख्या एटले एवी संख्याओ के जे समय संख्या में जेनो समावेश थतो नथी एने असमय संख्या कहे छे ओके। ख्याल आव्यो नहीं ओके तो आ जे संख्या जे छे एमां ख्याल आव्यो नथी पण शुं तो असमय संख्या एटले एवी संख्या जो तमने मैं बताऊं तो ख्याल आवशे। जो हवे जो अहींया -2 आथी इन्फिनिटी अहींया 1 0 1 अने 2 अहींयाथी इन्फिनिटी आ बधी जे संख्या हशे ए शेमां समावेश थाय छे समय संख्यामां। पण जो पॉइंटनी वेल्यू जे हशे जो 0.15 0 0.15 सॉरी 15 0.0 15 0 आ रीते जो संख्या रिपीट थती हशे तो ए जे संख्या हशे एने पण आपणे समय संख्यामां एनु आपणे गणतरी करी शकशुं। पण जो आ संख्या ने आपणे बदलीने जो दाखला तरीके आपणे 16 लईए तो 16 0 16 डबल 0 16 ट्रिपल 0 16 आ रीते जो संख्या हशे तो आ संख्या ने आपणे शुं कहीशुं तो के असमय संख्या कहीशुं ओके। ख्याल आव्यो बधाने? हवे ख्याल आव्यो? आपणे शरूआतमां जे व्याख्या जोईए एमां ख्याल आव्यो हशे तो आ परथी आपणने ख्याल आव्यो हशे के जे क्रम हशे 0 एटले पॉइंट पछीनो जे क्रम हशे ए जळवातो न होय तो ए संख्याने आपणे शुं कहीशुं तो के असमय संख्या कहीशुं ओके। सारू चालो तो एना माटे जोईए के असमय संख्या जे छे एने आपणे कई रीते मेळवी सकीए। तो जो असमय संख्या मेळववा कीधुं होय तो ए सौ प्रथम आपणे जे संख्या हशे एनो भागाकार करी काढवा। शुं करवानो? भागाकार करी काढवानो। भागाकार करवा माटे आपणे शुं करीए छे पेला आ रीते धरवानुं अंदरनी साइड आपणे उपरनी संख्या हशे उपरनी जे संख्या हशे एने आपणे क्यां लखीशुं अंदर लखीशुं अने बहारनी संख्या सॉरी नीचे छेदमां हशे एने क्यां लखीशुं बहार लखीशुं ओके। हवे 7 नो भाग जैसे नहीं भाग नहीं जाए तो पहला 0 मुकीशू पछी शू मुकीशू अहीं पॉइंट एट पॉइंट मुकाशे एट अहीं शू मुकाशे आपणो 0 मुकाशे। हवे भाग जैसे हाँ यस तो शू 7 * 1 = 7 शू वधशे अहीं 3 आवशे पछी पाछो 0 मुकीशू तो अहीं शू थशे 7 केटला 7 × 4 = 28 थाय छे तो ए क्यां थशे 2 पासा वधशे आपणा ओके। तो अहीं शू करीशू आपणे जरूर केटली संख्यानी छे तो के 2 संख्यानी आपणने जरूर छे तो पॉइंट पछी 2 संख्या आपणे लई लईशुं ओके। तो आपणने केटलुं मळ्युं 1/7 जे छे केटलुं मळ्युं 0.14 आपणने मळ्युं ओके। अने बीजी संख्या केटली छे आपणी तो के 2/7 है तो 7 आप बहार आवशे कारण के छेद में से जे छेद में संख्या हशे एने आपणे बहार राखवानी अने जे अंश में हशे एने आपणे अंदर राखवानी छे ओके। तो जो हवे अहींया भाग जशे नहीं अहींया पण आपणे 0 मूकवो पड़शे पछी पॉइंट मूकीए एटले 0 मुकाशे। तेज रीते 7 केटला ए जशे 7 × 2 = 14 ओके केटला वधशे 6 अने अहींया 0 मूकीशुं आपणे कारण के अहींया पॉइंट मूक्यो छे एटले आपणे केटला पण 0 आपणे लई शकीए ओके। तो अहींया शुं मुकाशे 7 केटला ए भाग जैसे अहींया तो के नजीक नजीक गणतरी करो केटला 60 जैसे 60 नी नजीक नजीक कई वेल्यू आवे तो के बधाने ख्याल छे 7 × 8 केटला थशे 56 थशे तो अहींया 8 मूकीशुं अने अहींया 56 एटले केटलो वधशे 4 जेटलो आपणो शेष वधशे। पण आपणने केटली संख्यानी जरूर छे मात्र ने मात्र 2 संख्या जे छे एनी पॉइंट पछी 2 संख्यानी आपणने जरूर छे एटले केटलुं मळशे आपणने जो अहीं क्या आ रीते मळशे 2/7 जे छे एना बराबर 0.28 आ प्रमाणे आपणने मळशे। हवे आपणने मळी गयो अहीं केटला केटला वच्चेनी एनु भागाकार करीए तो आटली वेल्यू मळी गई तो क्यांथी क्या संख्या मळी जो आनी हवे आपणने जरूर नथी आने आपणे साफ करीए आपणे आ 2 संख्या मळी छे जो 0 पॉइंट केटली छे आपणा पर तो के 0.14 टू क्या थी क्या है 0.28 एट्ले आ बे संख्या जे छे ए बे संख्या वच्चेनी आपणे बे असम्य संख्या मेळववानी छे। तो जो कोई पण संख्या लई सके केटली आवे 0.14 થી 28 સુધી 0.15 0.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 અને 27 આ સંખ્યાઓ આની વચ્ચે આવશે। તો જો એમાંથી ગમે તે આપણે બે સંખ્યાઓ લઈ સકીએ। તો જો ફર્સ્ટ સંખ્યા આપણે લઈશું કઈ લઈશું तो कि आपणे बधानी फेवरेट 0.20 आपणे लईशुं पण आपणे एने कई रीते लखवानुं तो कि 0.20 पछी 2 मूकीशुं 2 ईंडा पछी 2 मूकीशुं पछी पाछा 3 ईंडा आ रीते एने मुकाशे। तो आ जे संख्या जे हशे एने आपणे शुं कहीशुं कारण के आना पछी क्रम जळवावो जोईए नहीं अहींया क्रम जळवातो नथी एटले एने शुं कहेवाशे तो कि आ जे संख्या हशे एने आपणे असम्य संख्या आपणे तरीके लई शकशुं। ओके तेज रीते बीजी संख्या आपणे लईए बधानी फेवरेट जे छे 0.25 ओके अहीं पण आपणे 0 मूकीशुं त्यारबाद 25 00 25 000 का तो 1 पण लई सको तमे अहीं 1 पण लई सको। ए मतलब शू थवुं जोईए कि क्रम जळवावो जोईए नहीं 0.25 25 25 एवी रीते एनुं जे क्रम जे छे ए जळवावो जोईए नहीं। तो आ संख्याने आपणे शुं कहीशुं तो के असमय संख्या कहीशुं। आपणे अहींया जो 5 संख्या आपी हशे तो कोई पण लई सकीए 0.17 एना पाछळ आपणे कोई पण લખી દઈશું પછી શું 0.18 પણ લઈ સકીએ 1 0 1 એટલે એ પણ અસમય સંખ્યા થઈ ગઈ। આ બધી સંખ્યાઓને આપણે શું કહીશું તો કે અસમય સંખ્યા આપણે કહી સકીએ। ઓકે સારું આઈ હોપ આ અસમય સંખ્યા મેળવવાની જે રીત જે છે એમાં પણ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે। આવા દાખલા આપણા પાઠ્યપુસ્તકને જે સ્વાધ્યાય જે છે એમાં આપેલા છે એ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો। ઓકે સારું ચાલો હવે આગળ જઈએ। તો જો आ दाखला जो आपणे गणतरी आ बधा दाखला जे आपणे गणतरी करीए छे ए विभाग बी में पूछावाना मोस्ट एमपी दाखलाओ छे जेना तमने रोकड़ा 2 मार्क मळी सके छे। इजीली एकदम इजी दाखला छे एनाथी तमने रोकड़ा 2 मार्क मळी सके। ओके सारू चलो तो हवे आपणे सादुरूप करवानुं छे सादुरूप मेळववानुं छे। तो आ संख्या आपणे आपी छे आ संख्याने आपणे सादुरूप करीशुं। तो जो केटली संख्या पहेला तो जोई लईए 2 वर्गमूल में 2 प्लस 5 वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 2 माइनस 3 वर्गमूल में 3 आपने आप्या है। तो जो एनी वच्चे कई निशानी है अपनी प्लस नी निशानी है तो एने आपणे कई रीते लखी सकीए आ प्रमाणे पण लखी सकीए 2 वर्गमूल में 2 प्लस 5 वर्गमूल में 3 प्लस वर्गमूल में 2 ओछा 3 वर्गमूल में 3 आपणे आ रीते एने लखी सकीए। तो जो अहीं हवे आ अने आ आपणे सेम देखाय छे। ओके तेज रीते आ अने आ वर्गमूल में सेम देखाय छे एने आपणे अलग करीशुं। जो बधानो सरवाळो थशे नहीं के जो आ रीते अहींया आप्युं छे तो जो आनो केटलो थशे 2 प्लस 5 अने आ केटला थशे 2 प्लस 5 ने 2 एटले 2 प्लस 5 एटले 7 अने 2 प्लस 3 एटले 5 आ रीते गणतरी थशे नहीं। ए तमारुं खोटुं पडशे। घणा बधा विद्यार्थीओ आ रीते करे छे। आ रीते थशे नहीं। आपणे प्रोपरली एने सौप्रथम आपणे एने छूटा पाडवाना पछी जो आ मेच थाय छे ए जोवानुं। जो तो आने अलग करीशुं वर्गमूल में 2 वर्गमूल में 2 एने जे बंने पर छे एने आपणे अलग करीशुं। जो अहींया काउंसमां शुं लखाशे 2 वर्गमूल में 2 प्लस एना आगळ प्लस छे एटले प्लस मुकाशे वर्गमूल में 2 આવી રીતે લખાશે। ઓકે આ રીતે લખવાનું પછી ત્યારબાદ પ્લસ મૂકીશું અંદર શું લખાશે 5 વર્ગમૂળમાં 3 અને ઓછા 3 વર્ગમૂળમાં 3 આ રીતે એને લખાશે। ખ્યાલ આવ્યો બધાને કઈ રીતે લખાયું તે? હવે જો અહીં ધ્યાનથી જો તમને શોર્ટ એક સ્ટેપ હું સમજાવીશ। જો અહીં હવે શું કરવાનું હવે આમાં √2 અને √2 કોમન છે બંનેમાં તો કોમન કાઢી લઈશું। √2 આપણે કોમન કાઢી લીધો ત્યારબાદ શું થશે આના પર કેટલું વધશે 2 વધશે આના પર કેટલા વધશે 1 પ્લસ 1 તે જ રીતે આ સાઈડે શું થશે તો કે √2 અને સોરી રૂટ એટલે કે વર્ગમૂળમાં 3 અને વર્ગમૂળમાં 3 આપણે કોમન કાઢીશું वर्गमूल में 3 વધશે શું આના પર 5 વધશે માઈનસ ની નિશાની આવશે આના પર શું કેટલા વધશે તો કે 3 વધશે। હવે ગણતરી કરો हवे अहीं केटला थशे 2 + 1 केटलुं थाय 3 थशे एटले जो अहीं शुं थशे आपणा 3 आगळ लई लईशुं અને વર્ગમૂળમાં 2। તે જ રીતે અહીંયા શું થશે, આપણા 3 જે છે આપણે પાછળ રાખીશું અને એ કેટલા વધશે 5 - 3 કરીએ તો 2। ઓકે, આવી ગયો આન્સર। તો આ જે હશે એનું આપણે આ જે સંખ્યા જે છે એનું સાદુરૂપ આપણને કેટલું મળ્યું તો કે 3√2 + 2√3 આપણને મળ્યું। ઓકે, ખ્યાલ આવશે, ખ્યાલ આવ્યો? દાખલો આવડશે? આવા દાખલા સિમ્પલ। આ આપણને 3 સ્ટેપના આપણને કેટલા માર્ક મળશે તો કે 2 માર્ક ઇઝીલી મળી શકે છે। ઓકે, સારું, ચાલો સાદુરૂપમાં જ એક બીજો દાખલો આપણે જોઈએ જેમાં આપણે એક સમીકરણ જે છે એનો યુઝ કરવાનો છે, જે બધા જોઈને આવ્યા છે। કયું સમીકરણ છે એ પહેલા જોઈ લઈએ તો કે જો અહીંયા ધ્યાનથી જો તો શું થશે, એ છે આપણા પર વત્તા બી જેવું છે આ પદ દેખાય છે, હા, ત્યારબાદ આવ્યું કયું છે a - b જેવું પદ દેખાય છે આપણને। ઓકે, તો શું થશે a + b × a - b। શું થશે એનો આન્સર? બધાની ખ્યાલ છે કઈ રીતે આવશે? a² - જે હશે ફરજિયાત લગાડવાનું b² આ રીતે થશે। ખ્યાલ છે બધાની ઇક્વેશન? ઓકે, ચાલો આગળ જઈએ તો દાખલો ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે। તો અહીં આપણે a તરીકે 5 ને લઈશું અને b તરીકે વર્ગમૂળમાં 5 છે એને આપણે b તરીકે લઈશું। તો જો ધ્યાનથી જો અહીંયા શું લખાશે તો કે a નો વર્ગ લખવાનો છે એટલે 5² થશે અને માઈનસ કરીને b નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળમાં 5 છે એનો આપણો વર્ગ થશે। ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો બધાને? પછી ત્યારબાદ 5² કેટલો થશે? બધાને ખ્યાલ છે કેટલો થશે? 25। પછી અહીંયા શું થશે, 5/(5) છે એનો વર્ગ શું થશે? વર્ગમૂળ એનું નીકળી જશે એટલે કેટલા વધશે? 5। એટલે 25માંથી 5 જાય તો કેટલો આન્સર વધશે? 20। આવી ગયો આન્સર, એકદમ ઇઝી। 2 સ્ટેપમાં આપણો આન્સર આવી જશે। 2 સ્ટેપમાં આન્સર આવી જાય એના તમને કેટલા માર્ક મળશે? 2 માર્ક મળી જશે। અથવા તો આ રીતે અલગ અલગ પૂછવા, એક એક માર્ક માટે પૂછવું હોય તો 2 દાખલા આવા આપણને આપ્યા હશે, a અને b કરીને આપ્યા હશે। ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? આઈ હોપ આ દાખલામાં પણ તમને સમજ પડી હશે। હવે આપણે આગળ જઈએ। ચલો જો હવે આપણે શું કરવાનું છે, જો આપણે અલગ અલગ રીત કરી છે, જે આગળ આપણે સમય અને અસમય જે દાખલા આપણે મેળવ્યો છે, બે સંખ્યાઓ આપણે મેળવી, અસમય સંખ્યા મેળવી અને સમય સંખ્યા જે મેળવી, એ દાખલા પણ IMP દાખલા છે જે પૂછાવાની શક્યતા વધારે છે તમારી પ્રથમ કસોટીની જે છે એમાં। તો એ જ રીતે આ છેદનું સમયીકરણ કરવાનું જે છે આ દાખલો પણ તમારો IMP દાખલો છે। ઓકે, કારણ કે જો આપણું આ ચેપ્ટર જે છે એ કેટલા માર્કનું છે? આપણું 8 માર્કનું ચેપ્ટર છે। ઓકે, તો 8 માર્કનું ચેપ્ટર કાં તો એનાથી વધી પણ શકે તમારું જે आज प्रथम कसोटी है एम तो 8 मार्कनु जो चेप्टर है यहाँ से तरा लगभग 2 मार्कना के हे 2 का तो 3 मारा हिसाबे 2 दाखला तो हसे ज, कां तो 1 दाखलो तो कंपलसरी हसे हसे ने हसे ज। ओके, तो जो आपणे शुं करवानुं छे, अहीं आपणे 1 दाखलो आप्यो छे 1/(2 + (3) जे छे ए छेदनुं आपणे समयीकरण करवानुं छे। समयीकरणनी રીતથી આપણે એને ગણતરી કરવાનું છે। તો જો એને કઈ રીતે ગણતરી કરી શકીએ તો જો સૌપ્રથમ આપણે આ સંખ્યા છે આપણા પર 1/(2 + (3)। તો જો અહીં ધ્યાનથી જો તો આ રીતનું જો સ્ટેપ હશે તો એ માટે આપણે એનો જે વ્યસ્ત હશે એટલે કે આ જે સંખ્યા છે એનો વ્યસ્ત એટલે એની જે નિશાની જે હશે એ આપણે બદલીને એને ઉપર નીચે આપણે ગુણવાનું એટલે અહીંયા શું થશે 2 - (3)/(2 - (3) આ રીતે થશે। ઓકે, તો આ રીતે કરીશું। હવે આને ગણતરી કરીએ તો જો અહીંયા ઉપર તો કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં કારણ કે એકસાથે ગણતરી કરવાની છે એટલે શું આવશે 2 - (3) ત્યાંનું ત્યાં જ અને અહીં શું થશે દેખાય છે તમને આ પણ કોના જેવું છે? આપણે આગળ જે સમીકરણ જોઈ ગયા તે a + b × a - b એનો કઈ રીતે થશે? a² - b² એટલે અહીંયા પણ આ રીતે થશે। શું થશે? 2² - (3)/2 એટલે શું આન્સર આવશે તો કે 2 ઓછા વર્ગમૂળમાં 3 છેદમાં કેટલા થશે 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 અને વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ 3 કેટલો આન્સર આવશે 2 ઓછા વર્ગમૂળમાં 3 આપણો આન્સર આવશે અને છેદમાં 1 હશે એની આપણે ગણતરી કરતા નથી કેટલો આન્સર આવશે આપણો 2 ઓછા વર્ગમૂળમાં 3 જે સિમ્પલી આપણા 3-4 સ્ટેપમાં આન્સર આવી જાય છે તો આ માટે આપણને 2 માર્ક મળી શકે ओके तो जो आ दाखलो जे छे आ बी आ दाखलो तमे एग्जाम्पल जे छे ये आपणे अहीं समझवानो ट्राय करिए अने तमे जाते पण ट्राय करो कि आने आपणे कई रीते करी सके तो जो सिंपली आपणे अहींया मूकीशुं 1/6 शुं आवशे तो के 7 + 3 वर्गमूळमां 2 हवे आना व्यस्त संख्या हशे एना वडे गुणी दईशुं एटले 7 - 3 वर्गमूळमां 2 अने छेदमां 7 - ऊपर नीचे आपणे गुणीशुं एटले जे रीते आपणे आ दाखलामां कर्युं ते रीते अहींया पण थशे तो जो 7 - 3 वर्गमूळमां 2 छेदमां शुं आवशे a नो वर्ग एटले 7 नो वर्ग थशे ओछा जे हशे कंपल्सरी अहींया b नो एटले के 3 वर्गमूळमां 2 आखानो वर्ग थशे आंसर कई रीते आवशे जो 7 उपरनी जे संख्या हशे त्यां ने त्यां ज अने नीचे शुं थशे 7 नो वर्ग केटलो थशे 49 અને એ કેટલા થશે 3 નો વર્ગ કેટલો થાય બધાને ખ્યાલ છે 9 અને વર્ગમૂળમાં 2 એટલે 2 એટલે 9 દુ કેટલા થશે 18 એટલે 49 માંથી આ સંખ્યા હવે ત્યાંની ત્યાં જ રહેશે 7 - 3 વર્ગમૂળમાં 2 અને 49 માંથી જો 18 જાય કેટલા વધશે આપણા બધાને ખ્યાલ ન આવે તો જો 49 માઈનસ કેટલા કરવાના 18 એટલે આન્સર કેટલો આવશે 9 માંથી 8 જાય તો 1 વધશે 4 માંથી 1 જાય તો 3 એટલે કેટલો આન્સર આવશે 31 આન્સર આપણો મળશે એટલે જે આપણો આ દાખલો બી બીજા નંબરનો જે દાખલો આપ્યો તો 1/7 7 + 3 વર્ગમૂળમાં 2 એનો આન્સર કેટલો આવશે આપણને 7 - 3 વર્ગમૂળમાં 2 / 31 આપણને મળશે ઓકે આઈ હોપ આ દાખલો પણ આ જે બે દાખલા કર્યા સમીકરણ માટે એ દાખલા પણ બધાને આવડ્યા છે ઓકે ને તમે પાઠ્યપુસ્તક જે હશે એ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પ્રેક્ટિસ કરતા અને જો સ્વાધ્યાયમાં તમને આપ્યા હશે ઓકે એની પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને જે પ્રથમ કસોટી જે છે એનામાં તમને હેલ્પ થશે ઓકે સારું ચાલો હવે આગળ જઈએ તો જો હવે આપણે સાદુરૂપના દાખલા જે બીજા દાખલા જે છે એમાં ઘાત અને ઘાતાંકના દાખલા જે છે એના વિશે માહિતી આપણે મેળવશું ઘાત અને ઘાતાંક દાખલા જે છે એ આ રીતે બે દાખલા આપણને આપ્યા હશે 2 માર્ક માટે આ રીતે a અને b રીતે બે દાખલા આપણને આપ્યા હશે આ દાખલા પણ આપણા IMP દાખલાઓ છે ઓકે તો જો a નંબરનો જે છે એની આપણે ગણતરી કરીએ તો 2 - 3 અને 2 નો વર્ગ કેટલો છે 2/3 અને બીજા 2 નો વર્ગ છે 1/3 આપણા પર છે તો જો અહીંયા ધ્યાનથી જો આ વસ્તુ જે છે એને આપણે શું કહેવાશે આને આપણે આધાર કહીએ છે અને આ જે છે એને આપણે ઘાતાંક કહીએ છે શું કહે છે ઘાતાંક કહીએ છે તો જો કોઈ પણ વેલ્યુ આપી હશે આપણને તો ત્યાં જો આપણા પર બે સંખ્યાના જે આધાર જે હશે આધાર સરખા હોય તો એ આધાર સરખા હોય તો એમનો જે ઘાતાંક હશે એ ઘાતાંક એટલે એમના વર્ગ જે હશે એમનો સરવાળો થાય છે શું થશે એમનો સરવાળો થશે તો જો અહીંયા ધ્યાનથી જો આપણો શું છે આધાર એક જ રહેશે એનું શું થશે જે એના વર્ગ હશે એટલે કે ઘાતાંક હશે એનો શું થશે સરવાળો થશે 2/3 પ્લસ 1/3 એટલે જો અહીં ધ્યાનથી જો શું છે ઉપર તો કે છેદ સરખા છે એટલે જે ઉપરની સંખ્યા હશે એનો શું થશે સરવાળો એટલે 2 + 1/3 એ આન્સર કેટલો આવશે 2 નો આ 2 + 1 એટલે શું થશે 3/3 એટલે કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1 એટલે આન્સર શું આવશે આપણો 2 સિમ્પલ છે દાખલો એકદમ સિમ્પલ આના તમને 1 માર્ક ઈઝીલી મળી જશે ઓકે ત્યારબાદ આપણે જઈશું બીજા નંબરનો જે દાખલો જે છે એટલે એમાં જો હશે જો તમારા ઘાતાંક સરખા હોય અને તમારા આધાર અલગ અલગ હોય તો એ દાખલામાં શું થશે એની માહિતી આપણે મેળવીએ ઓકે તો જો અહીં આપણને વેલ્યુ આ કંઈ આ રીતે આપી છે ઓકે અને બીજું શું છે 1/2 તો જો અહીંયા ધ્યાનથી જો આમના શું છે આધાર સોરી આધાર અલગ અલગ છે અને ઘાતાંક જે છે એ કેવા છે તો કે સેમ છે તો એ રીત જો હશે તો એને આપણે કઈ રીતે કરી શકશું તો કે એમના जे आधार हशे ए आधार बंनेनो गुणाकार करीने जे तमारो घातांक हशे एनो एक ज घात तमारो थशे एटले एमना जे आधार हशे एनो शुं थशे गुणाकार थशे। तो जो ध्यान देजो अहींया 7 × 8 केटला थशे 7 × 8 आपणे क्यारनी वात करी 56 आपणा थशे अने केटलो वर्ग छे एनो 1/2 वर्ग छे। ओके आवा जो दाखला हशे दाखला तरीके आपणे आप्युं हशे 8। ओके जो आ रीते आपणे आप्युं छे तो जो हवे दाखला तरीके आप्युं हशे आ रीते आप्युं हशे 16 आप्या हशे एनी केटली घात आपी हशे आपणे जो दाखला तरीके 2 घात आपी हशे पछी त्यारबाद आपणे 4 आप्या हशे एनी पण बरोबर 2 घात आपी हशे। तो जो आनो आपणे गुणाकार करीए तो शुं थशे 16 × 4 एटले 16 केटला थशे आपणा 64 थशे। तो 64 नो वर्ग बधाने खबर छे केटलो थशे 64 कोनो वर्ग छे ख्याल छे बधाने केटलो हशे 8 जे हशे ए 8 નું 2 અને 1/2 एटले आ 2 2 કેન્સલ થશે એટલે જે અમુક દાખલા હશે એમાં જે સંખ્યાનો વર્ગમૂળ નીકળી જતો હશે એ સંખ્યાનો આપણે વર્ગમૂળ કાઢીશું અને જો જે સંખ્યાનો વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એને સંખ્યાને આ જ રીતે આપણે લખીશું। ઓકે આયો આ દાખલા જે આપણે કર્યા સાદુરૂપ માટે ઘાત જે આધાર અને ઘાતાંક વિશે આપણે જે કર્યા એ દાખલામાં આપણે બધાને સમજ પડી હશે ને આ પ્રમાણેના દાખલા હશે તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ છે એનું પણ તમે તૈયારી કરતા રહેજો। ઓકે જો હવે આપણે नेक्स्ट आपणो लास्ट जे दाखला जे छे ए कई रीते आपणे पूछी सके जो आ रीतेना दाखला पण पूछी सके। तो जो एमां ए नंबरनो जे दाखलो जे छे एटले के 64 ના 1/2 एटले जो अहीं जे संख्या जे हशे तमारो आधार जे हशे ए आधार परथी तमने डायरेक्टली हिंट मळी जशे। शुं मळी जशे? हिंट मळी जशे। एटले ए परथी तमने शुं हिंट मळशे तो के एनुं जे हशे ए कां तो वर्गमूल निकली जतुं हशे कां तो पछी एनुं शुं निकली जशुं हशे जो एनुं वर्गमूल निकली जतुं हशे कां तो कोईनो वर्गमूल हशे एरू कां तो वर्ग हशे कां तो एनुं कोईनो घन हशे कां तो पछी कोईनो वर्ग पण होई शके। तो ए रीते ए जे आधार जे हशे एना परथी आपणे एनुं अनुमान लगाडी सकीए। तो जो अहींया आपणा पर शुं छे 64 आप्या छे एनी 1/2 घात आपणने आपी छे। ओके 64 एना पर स्टेप बाय स्टेप जोईशुं कि कई रीते आवे। तो 64 जे छे तमे विचारो कि 64 जे हशे ए कोनो वर्ग छे तो ध्यानथी विचारो ए कोनो वर्ग छे तो ए जे हशे ए 8 નો વર્ગ छे तो 8 નો વર્ગ અને 2 तो आ वर्ग वर्ग कैंसल थई जशे आंसर शुं आवशे आपणो 8 आंसर आपणो आवशे। ओके अने तेज रीते बी नंबरनो जे दाखलो छे बीजा नंबरनो आपणो दाखलो छे एमां शुं आप्युं छे आपणने 125 ની 1/3 घात आपने आपी है। ओके तो कई संख्या एक कई एवं संख्या है कि जेनो घन जो हे ये 125 थे। तो जो ध्यान जो 5 जो हे ये 5 નો घन जो हे ये 125 थे। तो जो कई रीते थे तो कि 5 × 5 × 5 करिए तो 5 × 5 = 25 थे और 25 × 5 के 25 કેટલા થશે 125 આપણા થશે। ઓકે તો જો આ 3 3 કેન્સલ થશે આન્સર શું આવશે આપણો 5 આન્સર કેટલો આવશે 5 આપણો આન્સર આવશે। તે જ રીતે જે આપણો 3rd નંબરનો દાખલો છે એ પણ આપણો ઈઝી એવો દાખલો છે જેમાં આપણે 9 નો કેટલી ઘાત છે તો કે 3/2 આપણને ઘાત આપી છે। તો અહીં ધ્યાનથી જો 9 જે છે કોનો वर्ग जे छे ए कोनो वर्ग छे ध्यान दीजो तो कोनो वर्ग छे 9 छे तो के 3 जे छे ए 3 નો वर्ग छे तो अहीं शुं थशे तो के 2/2 एटले 3/2 अने 3 નો वर्ग एटले ए 2 2 कैंसल थशे एटले शुं थशे 3 ની 3 घात एटले 3 ની 3 घात एटले 3 × 3 × 3 एटले जो 3 × 9 थशे अने 9 × 27 आंसर केटलो आवी जशे आपणो 27। ओके ख्याल आवी गयो बधाने? आज बधा दाखलानी जे आपणे माहिती मेळवी आज जे बधा दाखलानी आपणे माहिती मेळवी ए बधा दाखला प्रथम कसोटी माटे मोस्ट आईएमपी दाखलाओ छे। ओके तो आ जे दाखला कराव्या ए रीतना जे दाखला पाठ्यपुस्तकमां आपेल छे ते तो तेनी पण तमे प्रेक्टिस तमे करता रहेजो। ओके तो तमने जे આવનાર જે પ્રથમ કસોટીની જે પરીક્ષા જે હશે એમાં તમને વાંધો પડશે નહીં. ઓકે, આપણે આજે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એના વિભાગ બી જે કવર કર્યું છે. હવે આપણા આગલા લેક્ચર જે આવશે એમાં આપણે વિભાગ સી તેમજ જે બીજા સેક્શન જે હશે આપણો વિભાગ એ પણ બાકી છે એને પણ આપણે કવર કરીશું. ઓકે, વિડીયોમાંથી કોઈ પણ માહિતી મળી હશે તો એને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલ જે છે એજ્યુ ગઢવી એને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ.